सीकर लोकसभा सीट पर मतदान होने के बाद शनिवार को भाजपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रिलैक्स मूड में नजर आए। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम अपने परिवार के साथ खेत पर गए। इसके बाद घर जाकर परिवार के लोगों से बातचीत की। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी अमराराम ने कहा कि आज परिवार के लोगों के साथ खेत पर जाकर सुबह काम किया। इसके बाद परिवार के लोगों से बैठकर बातचीत की। लोकसभा में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, उसके लिए अमराराम ने सभी मतदाताओं का आभार जताया, साथ ही प्रशासन और पुलिस का भी धन्यवाद किया। चुनाव परिणाम पर बोलते हुए अमराराम ने कहा कि मैं सड़क से लेकर संसद तक आपकी आवाज पर खरा उतरूंगा। अभी सुबह उठ करके पूरा दिनचर्या करके खेत मंगे, खेत से अभी सब लोग जो आ रहे हैं उनसे मिलने का काम किया है, लोगों के जो आभार व्यक्त करने के लिए आ रहा है वो किया है। मैं तमाम क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना तन मन धन से सहयोग किया और प्रशासन को भी शांतिपूर्वक तमाम मतदान करने के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। आम मतदाता को जो 10 साल से राजस्थान की आवाज़ देश की संसद में नहीं गूंज रही थी, निश्चित रूप से वो आपने आशीर्वाद दिया है। आपके विश्वास पे हर कदम पे सड़क से लेकर संसद तक मैं आपके विश्वास पे खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूँगा। आपको पुनः तमाम साथियों ने तन से मन से धन से सहयोग किया और इस गर्मी में भी आगे बढ़ करके मतदान किया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी आपका, धन्यवाद। चुनाव हो चुके हैं, जीत की एक को लेकर कितने आश्वस्त आप? पूर्ण आश्वस्त हूँ मैं। जो जिस तरह से अक्रॉस द पार्टी तमाम मतदाताओं ने जो समर्थन दिया है, मैं समझता हूँ जीत में कोई किंतु नहीं है। 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, निश्चित रूप से बटन दबाया है और अमराराम की आवाज़ देश की संसद में गूंजी। सीकर लोकसभा सीट पर मतदान होने के बाद शनिवार को भाजपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रिलैक्स मोड में नजर आए। भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि चुनाव से फ्री होने के बाद आज रोजाना की तरह सुबह पूजा पाठ किया। इसके बाद एसके कॉलेज में रिकॉर्ड से संबंधित मीटिंग अटेंड की। इसके बाद अब कार्यालय आए हैं, आज पार्टी से जुड़े लोगों से चुनाव को लेकर फीडबैक लेंगे। आज दिन भर सीकर ही रहेंगे। चुनाव के परिणाम पर बोलते हुए सरस्वती ने कहा कि सीकर में वोटिंग कम होने के कारण श्रीमाधोपुर और खंडेला क्षेत्र में कांग्रेस का वोट नहीं आना, वहां ज्यादा वोट भाजपा के ही पड़े हैं। भाजपा निश्चित ही यह चुनाव जीतेगी। सुबह जो मेरी दिनचर्या होती है दैनिक, वो उसी तरह से व्यवस्थित रही और उसके बाद में एसके कॉलेज में एक मीटिंग थी, जो रिकॉर्ड आदि था उसको उनको सेव करना था, वहाँ पर मीटिंग में रहा और अभी कार्यालय आया हूँ। आज दिन में कुछ लोगों से मिलेंगे, इसका फीडबैक भी लेंगे और सारा कुछ करेंगे। कुछ छोटा मोटा लोगों के काम हैं उनको करेंगे। आज दिन भर यहीं सीकर रहने का एक कार्यक्रम है, लोगों से मिलना जुलना रहेगा, लोग आएंगे मिलने के लिए, चुनाव के संदर्भ में बात करने के लिए। सीकर में वोटिंग कम हुई है, नहीं सीकर लोकसभा की बात जहाँ तक बात है कि इसमें दो कारण हैं। एक तो खास तौर से श्रीमाधोपुर खंडेला में कांग्रेस का वोट नहीं आया, वहाँ जो वोट पड़ा है वो केवल भाजपा का ही वोट पड़ा है। कुछ लोग इनके कांग्रेस के आए हैं लेकिन बहुत कम प्रतिशत की दृष्टि से, जिस तरह से वोट पड़ना चाहिए तो नहीं आया है, तो इसलिए वहाँ वो कम दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों में उत्साह है। मैं कल लगभग पूरी लोकसभा में केवल एकमात्र दो लक्ष्मणगढ़ को छोड़ करके मैं पूरी में जा करके आया था, वहाँ पर हमारे दूसरे कार्यकर्ता गए थे, उनसे जो फीडबैक लिया है तो लोगों में किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह था और चुनाव निश्चित जीतेंगे हम।